जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप सब में से कुछ भाई बहनों को हो सकता पता हो, अगर नहीं बताओ तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यूपी पुलिस के ADG महोदय ने ये खुद आपके लिए ये बताया है कि आपकी जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है और कितने पदों पर आने वाली है और कौन कौन सी नई वैकेंसी का अध्याचन उनके लिए मिला है, तो उसी के ऊपर हम करेंगे। आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आपकी जो वैकेंसी है बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की नई भर्ती को लेकर के, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो है आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें सिलेबस समझाया गया है। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, इनको भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ये सभी बुक आपके किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो 35,057 से वैकेंसी आपके बिल्कुल भी कम नहीं आएगी। इस वजह से आप परेशान मत होइए कि आपकी वैकेंसी कहीं कम तो नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 35,000 से 36,000 तक ही आपकी वैकेंसी के पदों की संख्या रहेगी, क्योंकि ये ADG साहब ने खुद बताया है कि आपकी वैकेंसी के पदों की संख्या कितनी रहेगी। आप ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे चल के वीडियो पूरी देखना, जिससे आप कोई भी वीडियो में इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से मिस नहीं हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आयु की जो गणना है और वो छूट है, इसकी अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप खुद देख लीजिए, उसको मैं आपको बताऊं कि ADG महोदय ने क्या कहा है, वो आप यहाँ खुद देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है आपकी भर्ती के बारे में। पुलिस की भर्तियों के बारे में कार्रवाई कर रहा है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विगत 5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 1.5 लाख से अधिक लोगों को भर्ती किया गया, नौकरियां दी गई हैं, और आने वाले समय में हमारे पास 50,000 के करीब विभिन्न पदों की भर्ती के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का अभी चयन नहीं हो पाया है वो लोग निराश न हों, बल्कि आगामी भर्तियों के लिए तैयारी करें। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, इसलिए इसमें मैं ब्रेकअप भी देना चाहूँगा। जो उपनिरीक्षक के जो पद हैं वो 829 पद अभी भी खाली हैं, जो हमारे पास अध्याचन आया हुआ है। तो जो लोग हमारे जून में हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, 9,500 कैंडिडेट को हमने सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट किया था, जो लोग उसमें सफल नहीं हो पाए वो लोग 829 वैकेंसीज के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर के हमारे पास 693 पोस्ट आए हुए हैं, 693, तो उसमें हम लोग भर्ती करेंगे। कांस्टेबल रैंक में उत्तर प्रदेश में बहुत डिमांड रहती है, बहुत जगह जगह लोग पूछ रहे थे कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26,210 सिविल पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती का अध्याचन हमारे पास प्राप्त हो चुका है, और उसमें 1,007 फायरमैन की भर्ती इसके अलावा है, और PSC के भी 8,540 कांस्टेबल की भर्ती का अध्याचन हमारे पास प्राप्त हो चुका है, जिसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें, फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छे करें, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी करें, तो उनको नौकरियाँ भविष्य में मिलेगी। तो आपने सुन ही लिया होगा कि ADG महोदय ने खुद बताया है कि आपकी वैकेंसी का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है, और आपके जो नए जैसे कि SI के हुए या उसके रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी की, उनको नए अध्याचन और इनके मिल गए हैं वैकेंसी के, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो आयु की गणना है और आयु की छूट है किस तरीके से। देखिए, आयु की जो गणना है, जिस वर्ष आपका नोटिफिकेशन आता है ना, जिस वर्ष आपका नोटिफिकेशन आता है उसी वर्ष की जुलाई से, कब से, उसी वर्ष की जुलाई से आपकी आयु की गणना की जाती है। तो ये तो होती है आपकी जो एज की जो काउंटिंग की जाएगी, इस डेट से की जाएगी जिस वर्ष आपका नोटिफिकेशन आता है। रही बात अगर हम छूट की बात करें, किसकी, अगर हम यहीं छूट की बात करें, तो देखिए दोस्तों, छूट की जैसा कि आपके साथ SSC में हुआ है, पहले छूट की कोई भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिलेगी, लेकिन फिर भी SSC में छूट मिली, इसी तरीके से इस यूपी पुलिस में होने वाला है। आपके पूरे चांस हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आपको इसमें छूट मिलेगी, लेकिन इंतजार करना होगा नोटिफिकेशन का कि देखिए नोटिफिकेशन में क्या होता है। ठीक है, SSC में भी ऐसे ही हो रहा था पहले कि छूट नहीं मिलेगी, लेकिन सभी जानते हैं कि 2-3 साल ऐसे ही निकल गई कोरोना की वजह से, और इस तरीके से वैकेंसी नहीं आई है पुलिस की 2018-19 के बाद बिल्कुल नहीं आई है। तो इस वजह से आपके पूरे चांस है कि आपकी जो वैकेंसी आएगी पुलिस की, उसमें आपको आयु की छूट मिलेगी। रही बात नोटिफिकेशन की, रही बात किसकी,
रही बात नोटिफिकेशन की, तो दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपने खुद सुन लिया होगा, एडी साहब ने खुद बताया है कि आपके जो इतने पदों पर भर्ती होने वाली, तो इसका मतलब सीधा सीधा संकेत ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है कभी भी आपके सामने आ सकता है। इससे बस आपके लिए एक संकेत ये मिल रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी तैयारी करते रहें। उन्होंने भी ये बोला है कि अपनी तैयारी करते रहें। ज़्यादातर लड़के कांस्टेबल के बारे में ही पूछते रहते हैं, उन्होंने ये सबसे ज़्यादा कांस्टेबल के बारे में बोला। किसके बारे में बोला उन्होंने? सबसे ज़्यादा उन्होंने कांस्टेबल के बारे में ही बताया है कि सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं कांस्टेबल के बारे में ही पूछते रहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कांस्टेबल पर ज़्यादा फोकस करके बताया। आपने खुद सुना होगा। तो इस वजह से दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।